खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। भोपाल, वैश्विक महामारी कोरोना संकट से पूरी दुनिया बदली नजर आ रही है। इस पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि एक घर चार व्यक्ति छह कार, उनको लगने लगा है कि हम बेवजह ही कहां दौड़ने लगे। अब एक कार का भी उपयोग नहीं हो रहा है। जीवन की दिनचर्या में सारी उपलब्धता आसानी से मिल रही है जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। दूध, फल, सब्जी, अनाज, इनका उत्पादन तो निरंतर हो रहा है। आज 50% मध्यम वर्ग के और 100% उच्च वर्ग के व्यक्ति के पास इतने वस्त्र उपलब्ध हैं कि उनका जितना जीवन बचा है उनको उस जीवन में वस्त्र खरीदने की आवश्यकता नहीं है। त्यागपूर्ण जीवन पद्धति, एक मकान, दो मकान, चार मकान, व्यक्ति यह नहीं सोचता कि हम जिसको हिंसक कहते हैं वह हिंसक नहीं है, हम हिंसक हैं। महीनों से भूखे शेर के सामने जब हिरणों का झुंड निकलता है तो वह अपना शिकार केवल एक ही हिरण से करता है, सोचता है कि कल फिर से शिकार कर लूँगा। यह नहीं करता कि सैकड़ों में से दर्जनों हिरणों को मार मार के स्टॉक करके घर में रख लूँ जैसे मनुष्य करता है। लेकिन हम अपने घरों में सोने चांदी की थपिया जमा रहे हैं। मनुष्य यह सोच रहा है कि एक मकान इस मोहल्ले में, एक मकान उस मोहल्ले में, एक मकान एक उस नगर में। वह यह नहीं सोच रहा है कि शव यात्रा तो एक ही मकान से निकलेगी, ना कि चार मकानों से। जीवन दृष्टि में काफी बदलाव आया है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना संकट के बाद पूरी दुनिया जो है कुछ ना कुछ बदली नजर आएगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, है ना, यह जो है इसने स्पष्ट किया है कि भोगवाद है नाशवाद। कई बार ये ध्यान में आएगा, एक घर चार व्यक्ति छह कारें, उनको लगने लगा हम बेवजह ही कहां दौड़ रहे थे, अब एक कार का भी उपयोग नहीं हो रहा। जीवन दिनचर्या में सारी उपलब्धताएं आसानी से मिल रही हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हैं। दूध, फल, सब्जी, अनाज, इनका उत्पादन तो निरंतर हो रहा है और निरंतर मिल रही हैं। आज 50% से अधिक मध्यम वर्गीय परिवारों में, 100% उच्च परिवारों में इतने वस्त्र उपलब्ध हैं कि जिनका जितना जीवन बचा है उन्हें जीवन में वस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं है। इतने जूते चप्पल हैं उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं घरों में, तो ये भोगवाद की पराकाष्ठा थी, फिर भी बेवजह का उत्पादन हुआ चला जा रहा है। कहने का अर्थ ये है, सीमित उत्पादन, सीमित उपयोग और त्यागपूर्ण जीवन पद्धति, एक मकान, दो मकान, चार मकान, व्यक्ति ये नहीं सोचता हम जिसको हिंसक कहते हैं वो हिंसक नहीं है, हम हिंसक हैं। महीनों से भूखे शेर के सामने सैकड़ों हिरणों का जब झुंड निकलता है तो वो अपने शिकार एक हिरण से करके सोचता है कल फिर शिकार करूंगा। ये नहीं करता कि सैकड़ों में से दर्जनों हिरणों को मार मार के थप्पी जमा के स्टॉक कर ले जैसे अपन ने घर में मनुष्य ने कर रखा है। और जो त्यागपूर्ण जीवन जी रहा है, चूंकि उसकी मजबूरी वो मांसाहारी है, वो हिरणों की थप्पी नहीं जमा रहा। लेकिन हम अपने घरों में सोने चांदी और वस्तुओं की थप्पी जमा रहे हैं, हम ऐसा समझ रहे हैं जैसे साथ में ही लेकर उबर जाएंगे। वो शेर ये नहीं सोचता आज इस गुफा में कल उस गुफा में, कभी यहाँ रुक रहा है। हम एक मकान यहाँ होना चाहिए, एक उस कॉलोनी में होना चाहिए, एक उस नगर में होना चाहिए, पता नहीं ये भी ध्यान नहीं है कि शव यात्रा तो एक ही निकलेगी ना, चार मकानों से शव यात्रा नहीं निकलेगी। तो हिंसक वो है कि हिंसक हम हैं, हम हिंसक हो चुके हैं, ये प्रकृति ने हमें दिखाया है। और भोगवाद ही नाशवाद है ये हमें जताया है। अब भी समय है, समझ जाइए, प्रकृति और संस्कृति निष्ठ जीवन को कोरोना से बचाइए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।